line. You know that the standard form is ax plus by plus c equal to 0. ठीक है, अब इसको हमने डिफरेंट फॉर्म्स में लिखना है, लाइक वी आर टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ नॉर्मल फॉर्म या स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म या इंटरसेप्ट फॉर्म. तो इसको आप किस तरीके से लिखोगे, आपको पहले सारी जो फॉर्म्स हैं वो पता होनी चाहिए. स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है आपकी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई वाली टर्म ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, एक्स वाली टर्म ऑन द राइट हैंड साइड, प्लस साथ में प्लस या माइनस कॉन्स्टेंट होता है आपका. देन एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू वन, कौन सी फॉर्म है ये, इंटरसेप्ट फॉर्म है ये. ठीक है, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू वन. उसके बाद एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा, दिस इज इक्वल टू पी. पी इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन. ओमेगा जो है दैट इज द एंगल विच परपेंडिकुलर मेक्स विद द एक्स एक्सिस. और ये आपकी जो फॉर्म है दिस इज कॉल्ड द नॉर्मल फॉर्म. ठीक है, तो इन डिफरेंट फॉर्म्स में जो है हमने इसको कन्वर्ट करना होगा, वी आर टू कन्वर्ट इट. अब जो फर्स्ट हाँ करेंगे करेंगे. तो उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए ना जो नॉर्मल आपकी मतलब गिवन होती है इक्वेशन ऑफ लाइन, इसलिए इसको लिया गया. कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज नहीं आनी. ठीक है, अब हमें इसको किस फॉर्म में लिखना है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में. y वाली टर्म हम इधर रखेंगे, ये आ गया बी वाई इज इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी. ठीक है, अब y हमें चाहिए अकेला, तो दिस इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी इंटू एक्स माइनस सी अपॉन बी. तो ये हो गई आपकी पॉइंट स्लोप फॉर्म. फिर पॉइंट स्लोप फॉर्म नहीं है, दिस इज द स्लोप फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. उसके बाद आपने कन्वर्ट करना है इसी को इंटरसेप्ट फॉर्म में. तो अगेन ये इक्वेशन है हमारी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो. एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू वन. पहले यानी कि क्या करोगे, जो आपका कॉन्स्टेंट है ब्रिंग दैट टू द राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड हमने क्या बनानी है, वन. तो डिवाइड बोथ साइड्स बाय माइनस सी. सो दिस इज ए एक्स अपॉन माइनस सी, बी वाई अपॉन माइनस सी इज इक्वल टू वन हो जाएगा. अब हमें क्या करना है, एक्स अपॉन वाली फॉर्म लेके आनी है. तो हम क्या करेंगे, इस वाले एक्स को यहाँ नीचे लिख सकते हैं ऐसे. आपको अगर गिवन है मान लो x डिवाइडेड बाय 1 बाय 2, तो इसका क्या मतलब है, ये ऐसे लिख सकते हैं 2x अपॉन 1. तो सेम वे में जब आपका ये 2x अपॉन 1 है, ये वाला 2 हम यहाँ लाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, x अपॉन 1 बाय 2. सेम वे में ये वाला a जब हम नीचे लेके जाएंगे, c के नीचे आएगा, तो ये आपका बन जाएगा x अपॉन माइनस c बाय a प्लस y अपॉन माइनस c बाय b is equal to 1. तो ये आपकी फॉर्म कौन सी होगी, इंटरसेप्ट. क्लियर, तो ये लर्न करने की जरूरत नहीं है हमें, अगर ये वाली फॉर्म्स पता है तो हम इसको डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं. उसके बाद जो नेक्स्ट इसमें आएगा हमारा, दैट इज डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन. बुक में मार्क कर लो, अदरवाइज इट इज गिवन इन द बुक ऑल्सो. पेज नंबर 223 पे, 222 पे, जहां पे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म गिवन है, क्लास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म गिवन है पेज नंबर 221 पे. y इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी एक्स, सबसे टॉप पे जहां पे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लिखा है उसके साथ ही ये इक्वेशन आपको गिवन है, ये वाली वहां टिक कर लो. उसी के नीचे इंटरसेप्ट फॉर्म में आपको गिवन है ये वाला x अपॉन माइनस सी बाई ए प्लस वाई अपॉन माइनस सी बाई बी इक्वल टू वन. जहां पे इंटरसेप्ट फॉर्म लिखा है दिस कैन बी रिटन एज के साथ ये चीज गिवन. देन नॉर्मल फॉर्म a अपॉन कॉस ओमेगा प्लस दिस इज इक्वल टू b अपॉन साइन ओमेगा इज इक्वल टू माइनस c अपॉन p.
और अगर आप इसकी नॉर्मल फॉर्म जो है लेके चलते हो, वो हमें ये गिवन है एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इक्वल टू पी। अगर इसमें हमें कॉस ओमेगा की वैल्यू निकालनी है तो कॉस ओमेगा विल बी गिवन बाय प्लस माइनस ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। साइन ओमेगा की वैल्यू निकालनी है तो दैट विल बी गिवन बाय प्लस माइनस बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। पॉइंट मान लीजिए गिवन है एक्स वन वाई वन, फ्रॉम लाइन क्या है हमारे पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, तो डिस्टेंस डी इज गिवन बाय, डिस्टेंस है तो दिस विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, तो मॉड्यूलस का साइन आ गया। जहां जो आपकी लाइन की इक्वेशन गिवन है और जो पॉइंट्स गिवन है, ठीक है, एक्स को रिप्लेस कर दो एक्स कोऑर्डिनेट से, वाई को रिप्लेस कर दो वाई कोऑर्डिनेट से, तो ये बन जाएगा ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी, और डिवाइड कर दो इसको एक्स के कोफिशियंट के स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशियंट के स्क्वायर से, डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ लाइन जो भी गिवन होगी और जिस पॉइंट से उसका डिस्टेंस आपने निकालना है, लाइन की इक्वेशन में एक्स और वाई की वैल्यू वहां रिप्लेस कर दो कोऑर्डिनेट्स से, देन ये बन जाएगा आपका ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी, जीरो नहीं लेना ये इक्वल टू, डिवाइड करना है इसको एक्स और वाई के कोफिशियंट्स के स्क्वायर्स के सम से, तो डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद हमें निकालना है अगर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस की क्या कंडीशन होती है, स्लोप्स उनकी इक्वल होती हैं, यानी कि जो एक्स और वाई के कोफिशियंट्स होंगे वो सेम होंगे व्हेनेवर द लाइंस आर पैरेलल। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू है, ये दोनों जो आपके पॉइंट्स हैं या वैल्यूज हैं ये डिफरेंट होंगी। अब हमें जब डिफरेंस डिस्टेंस निकालना है बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस, तो दैट इज अगेन गिवन बाय सी वन माइनस सी टू अपॉन में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। सी वन माइनस सी टू, इनका जो ये वाला डिस्टेंस है कॉन्स्टेंट्स के बीच में, उसका डिफरेंस डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर द रूट। अगेन इसको भी आपने लेना है उसी में मॉड्यूलस के अंदर लोगे। उसके बाद एंगल बिटवीन टू लाइंस किया हुआ है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, बताया हुआ है ना tan थीटा इज इक्वल टू, बस वो वही यूज होगा। तो ये दो आपके नए कंसेप्ट आ गए, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस एंड डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम अ पॉइंट। अब एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर वन है। इसमें हमें इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन होगी और साथ में फॉर्म बताई होगी कि किस फॉर्म में आपने इक्वेशन ऑफ लाइन को रिड्यूस करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर वन में हमें गिवन है रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इक्वेशन हमें क्या गिवन है, एक्स प्लस सेवन वाई इज इक्वल टू जीरो, इसको मुझे रिड्यूस करना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो सबसे पहले मुझे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पता होनी चाहिए कि क्या है ये इक्वेशन इज, और रिड्यूस करना है इसको मुझे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इंटरसेप्ट गिवन है स्लोप गिवन है, तो इक्वेशन ऑफ द लाइन इज गिवन बाय वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यानी कि अब इस इक्वेशन को मुझे इस फॉर्म में लेके आना है, तो क्या करेंगे, वाई वाली टर्म हम लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे, सेवन वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स, कॉन्स्टेंट जीरो है, प्लस करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब y के आगे जो आपका कोफिशियंट है दैट शुड बी वन, तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय सेवन, तो ये आ जाएगा आपका y इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन सेवन एक्स, ठीक है, y इज इक्वल टू माइनस वन बाय सेवन एक्स।
अब इसको कंपेयर करो, उसने साथ में क्या कहा है आगे, फाइंड देयर स्लोप्स एंड द वाई इंटरसेप्ट। तो वाई इंटरसेप्ट में यही थी आपकी, अगर एक्स इंटरसेप्ट होता लेट अस सपोज, तो आपकी फॉर्म क्या बननी थी, ये वाला, ठीक है। सो अब इसको कंपेयर करोगे इससे, तो स्लोप कितनी आएगी, एम माइनस 1/7, और सी आ जाएगा आपका जीरो। सी इज द इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, 6x+3y-5 इज इक्वल टू जीरो। अगेन y इज इक्वल टू वाली फॉर्म में लिखना है, तो 3y इज इक्वल टू 5-6x, y इज इक्वल टू -2x+5/3। क्लियर, ये y इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में कर दिया हमने इसको, तो m कितना आ गया आपका -2, और c कितना आ गया 5/3। y इंटरसेप्ट इज 5/3 एंड जो आपकी स्लोप है दैट इज -2। क्लियर, थर्ड बताओ, वाई इक्वल टू जीरो, व्हाट विल बी द स्लोप एंड व्हाट विल बी द वाई इंटरसेप्ट। ये ऑलरेडी आपको यही फॉर्म गिवन है, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल टू जीरो, यानी कि सभी जो ये टर्म्स हैं ये जीरो होंगे, तो एम भी जीरो और सी भी जीरो। देन सेकेंड क्वेश्चन, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू द इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, जिसमें हमें दोनों इंटरसेप्ट्स गिवन होंगे, यानी कि एक्स अपॉन एक्स इंटरसेप्ट प्लस वाई अपॉन वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। हमें इस फॉर्म में गिवन इक्वेशन को रिड्यूस करना। अब इक्वेशन गिवन है 3x+2y-12 इज इक्वल टू 0। अगर जिस फॉर्म में मुझे रिड्यूस करना है, इफ आई सी दैट, तो राइट हैंड साइड पे मेरा कांस्टेंट है, तो सबसे पहले इस कांस्टेंट को हम राइट हैंड साइड पे लाएंगे, और फिर इस कांस्टेंट की वैल्यू हमने क्या बनानी है, 1। तो ये बन गया आपका 3x+2y इज इक्वल टू 12। अब राइट हैंड साइड 1 बनानी है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 1/12, सो दिस विल बी 3/12x+, कर लो भैया, 2y/12 इज इक्वल टू 12/12। हाँ जी, ठीक है। अब क्या होगा, जो कैंसिलेशंस हो रही हैं वो कैंसिलेशंस कर दो, x/4+y/6 इज इक्वल टू 1। अब ये बन गई आपकी फॉर्म, x/a+y/b इक्वल टू 1। 4 क्या है, एक्स इंटरसेप्ट, 6 क्या है, वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। हाँ जी, फाइंड देयर इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्स एक्सिस, तो एक्स इंटरसेप्ट इज 4 एंड वाई इंटरसेप्ट इज 6। चलिए, थर्ड का फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का। वी आर गिवन x-√3y+8 इज इक्वल टू 0। अब हमने अगेन क्या करना है, यहाँ पे इसको राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे। फॉर्म क्या होती है हमारी, x cos ω + y sin ω इज इक्वल टू p। इसको हम इधर ले जाएंगे, तो वी विल बी हैविंग x-√3y इज इक्वल टू -8। अब हमें जो कॉस ओमेगा की वैल्यू निकालनी है, दैट इज गिवन बाय ±a/√a² + b² एंड साइन ओमेगा जो होता है हमारा, दैट इज गिवन बाय ±b/√a² + b², यानी कि कॉफिशियंट्स के स्क्वायर्स का सम अंडर द रूट, इससे आप
डिवाइड कर दोगे थ्रू आउट। अब ए क्या है यहाँ पे वन, बी क्या है यहाँ पे माइनस रूट थ्री, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर द रूट क्या हो जाएगा, वन स्क्वायर प्लस माइनस रूट थ्री स्क्वायर अंडर द रूट, कितना आएगा ये सॉल्व करके टू, ठीक है प्लस माइनस टू। तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको रूट टू टू से डिवाइडेड दोनों साइड्स पे डिवाइड करना है। सो वी हैव, वी विल बी हैविंग वन बाय रूट टू, वन बाय टू एक्स माइनस रूट थ्री बाय टू वाई इज इक्वल टू माइनस फोर। अब यहाँ पे हम और क्या कर सकते हैं, ये पी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑरिजिन टू द लाइन, एंड डिस्टेंस जो है दैट शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव, डिस्टेंस हमेशा क्या होना चाहिए पॉजिटिव। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे माइनस से डिवाइड, तो यही आप माइनस टू से डिवाइड कर सकते हो फॉर मेकिंग द डिस्टेंस पॉजिटिव। सो दिस इज माइनस वन बाय टू एक्स प्लस रूट थ्री बाय टू वाई। हाँ जी, फोर को यहाँ पे, एट को दोनों तरफ बचे, मैंने टू से डिवाइड कर दिया ना, हमने ये अप्लाई किया है तो यहाँ पे जो है अगर मैं इधर डिवाइड कर रही हूँ और मैं इधर डिवाइड नहीं करूंगी तो मेरा बीच में इक्वल टू का साइन नहीं रहेगा, ठीक है ना। अभी क्या था, ये दोनों इक्वेशंस इक्वल थी, आपने नाइन्थ में की हुई है यूक्लिड्स एग्जाम कि अगर आप इक्वल थिंग्स को इक्वल्स से डिवाइड करोगे देन दे विल बी इक्वल, तो ये इक्वल साइन मेंटेन करने के लिए यहाँ पे भी हमें टू से डिवाइड करना पड़ेगा। यानी कि एक तरह से क्या करना है, आपने रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ले लेना है, इसको छोड़ दो, ठीक है, आपने रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ले लेना है और दोनों साइड्स को उससे डिवाइड कर, तो ये आ गया। अब देखो वन बाय टू कॉस की वैल्यू और रूट थ्री बाय टू साइन की वैल्यू कहाँ पे होती है, हाँ जी हाँ 60 डिग्री पे, बट अगर आप इसको देखो तो एक्स आपका नेगेटिव है और मतलब कॉस ओमेगा नेगेटिव में है और जो साइन आएगा दैट विल बी इन पॉजिटिव। कौन सा क्वाड्रेंट बना, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में फिर थीटा कैसे निकालते थे, पाई माइनस अल्फा, ये होते थे ना आपके फोर क्वाड्रेंट्स, पहले में थीटा लेके चलते थे, सेकेंड में थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, थर्ड में थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस अल्फा, फोर्थ में टू पाई माइनस अल्फा। ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट लगा रहे हैं हम यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स वाला नहीं लगा रहे, ठीक है। तो अब देखो क्या एंगल बनेगा आपका, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एंगल, हाँ जी 120, सो दिस विल बी योर आंसर। ये इरेज कर दूं, इधर लिख देती हूँ ये, अब देखो ये हो गया आपका थीटा, अल्फा ले लेते हैं इसको, अल्फा इज इक्वल कॉस अल्फा इज हाफ एंड साइन अल्फा इज, बच्चे बातें नहीं प्लीज, रूट थ्री बाय टू, तो इट मींस अल्फा कितना आ गया हमारा 60 डिग्री, बट जो आपका कॉस अल्फा है दैट इज नेगेटिव एंड साइन अल्फा इज पॉजिटिव, देयरफॉर अल्फा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, सो दैट इज गिवन बाय 180 माइनस 60 दैट इज 120। तो इधर आपका क्या बन जाएगा, कॉस अल्फा की वैल्यू 120, तो एक्स कॉस 120 प्लस साइन वाई साइन 120 इज इक्वल टू 4। ठीक है,
डन, चलें अगले पे. नेक्स्ट क्या है, y माइनस टू इज इक्वल टू जीरो. सेकेंड पार्ट, y माइनस टू इक्वल टू जीरो. चलो बताओ जी. हाँ जी, डिस्टेंस फोर आ गया इक्वल टू पे जो भी था. एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर फाइंड देयर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन. परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन निकालना है. क्या आएगा, फोर आ गया वो. एंड द एंगल बिटवीन द परपेंडिकुलर एंड द पॉजिटिव एक्स एक्सिस. क्यों, एंगल बिटवीन द परपेंडिकुलर एंड द पॉजिटिव एक्स एक्सिस 120 डिग्री. ये आ गया ना बच्चे, ये लाइन है, ऐसे आएगी लाइन. ये परपेंडिकुलर है. आई हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन द परपेंडिकुलर एंड द पॉजिटिव एक्स एक्सिस. ये बच्चे एक्स कोऑर्डिनेट हमारा नेगेटिव था, जो एक्सिस है वो तो पॉजिटिव है ना. ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था ओरिजिन से, तो हमें ये एंगल निकालना. गॉट इट. ये क्या चीज, नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है, परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन. ठीक है, पहले पार्ट में उसने क्या पूछा, फाइंड देयर परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस फ्रॉम द ओरिजिन. पहले पार्ट में हमें ये लेंथ बतानी है, दिस इज फोर, पी से रिप्रेजेंट करते हैं. आगे वो क्या पूछ रहा है, एंड द एंगल बिटवीन द परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, एंड बिटवीन द एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है. ये एंगल किससे रिप्रेजेंट होता है, जो हमने ओमेगा लिया था. तो ओमेगा की हमारी वैल्यू कितनी आई है, 120 डिग्री. हाँ जी, ये आई उससे मिला ना हमें, एंगल कितना बन रहा था 120 का, एक्स कॉस 120 प्लस वाई साइन 120. यानी कि जो एंगल बनना चाहिए वो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में बनना चाहिए, ये परपेंडिकुलर था, तो इसलिए मैंने इसको सेकंड क्वाड्रेंट में. ठीक है, नहीं भी बनाओगे तो उसके बिना, इक्वल टू फोर था, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा. चलिए सेकंड पार्ट, वाई माइनस टू इज इक्वल टू जीरो. पहले कॉन्स्टेंट को राइट हैंड साइड पे लाओगे, वाई इज इक्वल टू टू हो गया. अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर मैं लिखूं तो ये बन गई. डिवाइड किससे करते हैं, बोथ साइड पे रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से. ए क्या है यहाँ पे, जीरो. बी क्या है यहाँ पे, वन. तो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ गया, वन. तो एज इट इज रहेगा, नो चेंज. अब यहाँ पे वन कहाँ पे वैल्यू होती है, मतलब अब मैं अल्फा निकाल रही हूँ कि कॉस अल्फा की वैल्यू जीरो हो और साइन अल्फा की वैल्यू वन हो, दैट इज 90 डिग्री. तो कितना आ जाएगा, x cos pi by 2 या 90 लिख लो बेशक इसको, y sin pi by 2 is equal to 2. अब जो आपका एंगल बिटवीन द परपेंडिकुलर एंड द x एक्सिस है वो 90 डिग्री आ रहा है, और एंगल जो आपका है डिस्टेंस है ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, यानी कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, दैट इज 2. ठीक है, थर्ड पार्ट इसका होमवर्क है आपका, दैट यू विल डू योरसेल्फ. बाकी के क्वेश्चंस वी विल डिस्कस टुमारो. Online students, if any doubt is there, you can ask.